टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रविवार को मुंबई के पास एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे, तभी पालघर के पास ये हादसा हुआ। दोपहर करीब 3:15 बजे साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज बेंज कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें साइरस मिस्त्री की मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाते वक्त उनके दोस्त ने भी दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री की कार उनकी दोस्त और मुंबई के ब्रीस कैंडी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट अनाहिता पंडोले चला रही थी। अनाहिता के पति डेरियस पंडोले उनकी बगल की सीट पर बैठे थे, जबकि अनाहिता के भाई जहांगीर दिनशा पंडोले और साइरस मिस्त्री पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। एक्सीडेंट में अनाहिता और उनके पति डेरियस तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके भाई और साइरस मिस्त्री की जान चली गई। अनाहिता और उनके पति को भी गंभीर चोटें आई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। साइरस को एक्सीडेंट के बाद कासा के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। यहाँ के डॉक्टर शुभम सिंह ने बताया कि साइरस मिस्त्री के सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हुई। वे मृत अवस्था में ही अस्पताल लाए गए थे। वहीं जहांगीर को बाएं पैर में फ्रैक्चर और सिर पर चोट थी। तो पहले जो क्वेरी आई लाइक लोग लेके आए, बिकॉज गाड़ी से सीधा उठा के लेके आए और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोल के आए, तो उसी बेसिस पे लाइक मैंने पेशेंट देखे और देख के भी जो साइरस सर थे उनको हेड इंजरी थी और जो दूसरे जहांगीर सर थे उनका लेफ्ट लेग फ्रैक्चर था, सेम हेड इंजरी थी। तो देख के तो मुझे ऐसा फर्स्ट मतलब ओपिनियन में यही लगा कि ठीक आरटीए की वजह से हुआ था। बता दें कि साइरस मिस्त्री देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक शपूजी पालोनजी ग्रुप से जुड़े थे। इससे पहले वो 4 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन रतन टाटा से अनबन के चलते उन्हें टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद छोड़ना पड़ा था। पुलिस की शुरुआती जांच और चश्मदीदों के बयान से मालूम चलता है कि हादसे के वक्त कार ओवर स्पीड थी। इसके अलावा रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। कार को देखने से मालूम चलता है कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार की फ्रंट सीट पर लगे दोनों एयरबैग एक्टिव हो गए और दोनों लोगों की जान बच गई, जबकि कार की बैक सीट के एयरबैग्स नहीं खुले, जिसकी वजह से साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कई स्थानों पर ब्लाइंड स्पॉट हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मुद्दा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इरेडिकेशन कमेटी के सामने उठाया गया था, लेकिन डिटेल जांच की बात कहकर मामले को टाल दिया गया। अब बात करते हैं मर्सिडीज की उस कार की जिसमें देश के जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री बैठे हुए थे। मर्सिडीज बेंच की ये कार हाई क्लास सेफ्टी फीचर्स से लैस है। सेफ्टी क्रैश टेस्ट में भी NCAP ने इसे 5 स्टार दिए हैं। 1950 CC इंजन वाली इस कार में 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। इसके अलावा कार में इंजन इमोबिलाइजर, लेन वॉच कैमरा और साइड मिरर कैमरा भी दिया गया है। बावजूद इसके जब ये कार डिवाइडर से टकराई तो इसकी पिछली सीट के एयरबैग्स नहीं खुले, जिससे इन तमाम सुरक्षा फीचर्स को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं।